गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंस टू एलिप्स एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई वी स्केयर इज इक्वल टू वन एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन इज एक्स एक्स वन डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस वाई वाई वन डिवाइडेड बाई बी स्केयर इज इक्वल टू वन। क्लियर? सो आपने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होना चाहिए? स्लोप होना चाहिए और पॉइंट होने चाहिए। तो पॉइंट्स हमें गिवन है, पॉइंट एक्स वन एंड वाई वन। तो हमें सिर्फ किसकी जरूरत है? स्लोप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखिए आंसर में हमें गिवन है एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर इज इक्वल टू वन, दैट इज गिवन। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स की टू का क्या हो जाएगा? टू एक्स, ए स्केयर तो कांस्टेंट ही है। वाई स्केयर का टू वाई, बी स्केयर तो कांस्टेंट है, वाई का साथ में क्या लग जाएगा? डी वाई वाई डी एक्स। और वन का क्या हो जाएगा? जीरो। वन का क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये बन जाएगा टू वाई वी स्केयर डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय ए स्केयर। ये 2x डिवाइडेड बाय ए स्केयर लेफ्ट में राइट है, राइट में जाकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? ये लग जाएगा। क्लियर? तो यहां से आपके पास स्लोप आ जाएगा डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय ए स्केयर। और देखिए 2y डिवाइडेड बाय बी स्केयर को हम इधर डिवाइड में करेंगे तो ये बन जाएगा बी स्केयर डिवाइडेड बाय 2y, वी स्केयर डिवाइडेड बाय 2y। तो डी वाई वाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये स्केयर है आपका, तो 2 के साथ 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो x की जगह पॉइंट हो जाएगा एक्स वन बी स्केयर, तो y की स्केयर जगह पॉइंट हो जाएगा वाई वन ए स्केयर, वाई वन ए स्केयर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। क्लियर? नाउ स्लोप एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन एम डिवाइड डी एक्स, हमारे पास ये आ जाएगा स्लोप एक्स वन बी स्केयर डिवाइडेड बाय वाई वन ए स्केयर। क्लियर? वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाई माइनस वाई वन, एम स्लोप हो गया यहां पे, एक्स माइनस एक्स, वाई क्या है? वाई माइनस, यहां से करते हैं वाई माइनस वाई वन, वाई वन का वाई वन ही है। एम स्लोप की वैल्यू फिर कीजिए माइनस एक्स वन बी स्केयर वाई वन ए स्केयर वाई माइनस वाई वन, सॉरी एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर? तो m की वैल्यू फिल कर दी, y1 और x1 तो सेम ही है, पॉइंट्स वही रह जाएंगे। अब देखिए कैसे करोगे आगे, इसको सॉल्व करो, y माइनस वाई वन अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस x x1 b स्केयर डिवाइडेड बाय a स्केयर y1, a स्केयर y1 माइनस माइनस प्लस x1 का स्केयर b स्केयर y1 ए स्केयर, फाइव वन ए स्केयर। क्लियर? आप ऐसे मत करो, इसको यहां से क्रॉस कर दीजिए, वाई वाई वन वाई वाई वन ए स्केयर, यहां से क्रॉस कीजिए वाई वन का स्केयर ए स्केयर, वाई वन का स्केयर ए स्केयर इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स एक्स वन बी स्केयर प्लस एक्स वन का स्केयर बी का स्केयर, डिवाइड वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी? कैंसल आउट हो जाएगी। वाई वन ए स्केयर को इधर से क्रॉस कर दीजिए और इसको इनसे क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। क्लियर? अब देखिए पूरी टर्म्स को एक तरफ ले आइए, देखिए एक्स एक्स वन बी स्केयर नेगेटिव है, लेफ्ट में आइए क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव प्लस ये लिखिए वाई वाई वन ए स्केयर, उसके बाद ये लिखिए
माइनस वाई वन का स्केयर स्केयर, ये देखिए एक्स वन वाले टर्म है जो इधर आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और ये दोनों टर्म में नेगेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये दोनों टर्म में देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी और ये इधर आके क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। क्लियर, ये दोनों टर्म में वाई वन स्केयर ये रही और वाई वन स्केयर ये रही। क्लियर, अब इन दोनों में देखिए क्या मैच होता है, इन दोनों में पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं ए स्केयर बी स्केयर से, डिवाइडिंग वाई ए स्केयर स्केयर बोथ साइड्स, पूरी इक्वेशंस को मैं ए स्केयर बी स्केयर से क्या कर देता हूं डिवाइड, तो एक्स क्या बन जाएगा, एक्स एक्स वन बी स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर बी स्केयर प्लस वाई वाई वन ए स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर बी स्केयर माइनस वाई वन ए स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर बी स्केयर माइनस एक्स वन बी स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर बी स्केयर, और यहां जीरो को डिवाइड कर दो ए स्केयर बी स्केयर से। क्लियर, देखिए इस टर्म को मैंने ए स्केयर बी स्केयर से डिवाइड कर दिया, इस टर्म को भी ए स्केयर बी स्केयर से क्या कर दिया डिवाइड, इस टर्म को भी ए स्केयर बी स्केयर से क्या कर दिया डिवाइड, इस टर्म को भी ए स्केयर बी स्केयर से क्या कर दिया डिवाइड, और जीरो को भी डिवाइड कर दिया ए स्केयर बी स्केयर से। क्लियर, अब आगे देखिए आपका क्या बनेगा, नेक्स्ट देखिए यहां बी स्केयर के साथ बी स्केयर क्या हो जाएगा कैंसल, ये बच जाएगा आपके पास एक्स एक्स वन डिवाइडेड बाय यहां ए स्केयर के साथ ए स्केयर क्या हो जाएगा कैंसल, ये बन जाएगा वाई वाई वन डिवाइडेड बाय बी स्केयर। क्लियर, माइनस यहां ए स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा वाई वन का स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर, नेक्स्ट में बी स्केयर कैंसिल हो जाएगा क्या बन जाएगा एक्स वन का स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। क्लियर, अब देखिए जब जी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा तब आपने क्या करना है, देखिए यहां से एक्स एक्स वन डिवाइडेड बाय ए स्केयर वाई वाई वन डिवाइडेड बाय बी स्केयर, यहां से माइनस कॉमन ले लेना है, ये बन जाएगा वाई वन का स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर प्लस एक्स वन का स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर इज इक्वल टू जीरो, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है वन, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है वन, यहां वन रख देना इज इक्वल टू जीरो, वन कैसे अभी बताता हूं, ए स्केयर प्लस वाई वाई वन बी स्केयर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा वन, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा वन, ये आपको गिवन है, आपको गिवन है एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर इज इक्वल टू वन, इक्वेशन ऑफ इजिप्स गिवन है, तो यहां पॉइंट एक्स वन दिया हुआ तो एक्स की जगह एक्स वन का स्केयर हो गया, y की जगह y1 का स्केयर हो गया, b स्केयर इज इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, तो इस रिजल्ट से इसकी वैल्यू मैंने यहां क्या फिल कर दी 1 फिल कर दी, ये 1 है जो नेगेटिव है राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये हमने क्या करना था प्रूव करना था। क्लियर, तो ये इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगी टेंजेंट आ जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय थ्री। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए टू तो हमें पॉइंट चाहिए एक्स एंड एक्स वन एंड वाई वन के रूप में, तो एक्स वन हमें गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, टू हमें गिवन है टू साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाई की वैल्यू फिल करते हैं टू साइन एक्स की वैल्यू फिल कर देते हैं पाई बाय थ्री साइन टू एक्स, एक्स की वैल्यू फिल कर देते हैं पाई बाय थ्री, ये हो जाएगा टू पाई बाय थ्री, तो साइन पाई बाय थ्री की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री बाय टू प्लस साइन 120 टू पाई बाय थ्री यानी कि 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 प्लस ये हो जाएगी रूट थ्री बाय टू रूट थ्री बाय टू, तो ये यहां से आ जाएगा थ्री रूट थ्री बाय टू थ्री रूट थ्री बाय टू, ये आपका पॉइंट आ जाएगा वाई, यानी कि आपके पास पॉइंट आ गए, आपके पास पॉइंट्स आ गए
एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाय थ्री और वाई की वैल्यू आ गई थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू। ये आपके पास क्या आ गए पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या फाइंड करेंगे डेरिवेटिव डी बाय वाई डी एक्स। तो देखिए टू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और साइन का डेरिवेटिव यहां पर कॉस टू एक्स और टू एक्स का क्या आ जाएगा टू, टू एक्स का क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सो नाउ देखिए डी बाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया टू साइन का कॉस एक्स हो गया प्लस टू कॉस टू एक्स का कॉस साइन का कॉस टू एक्स और टू एक्स का साथ में टू। अब देखिए आपके पास स्लोप आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट पाई बाई थ्री एंड थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू। तो एक्स की वैल्यू फिल कर दो, बस जरूरत ही नहीं है आप लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट सीधा फिल कीजिए डी बाई बाय डी एक्स टू कॉस एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाय थ्री प्लस टू कॉस यहां पर बन जाएगी एक्स की वैल्यू टू पाई बाय थ्री। अब देखिए कॉस पाई बाय थ्री की वैल्यू क्या होगी कॉस पाई बाय थ्री की वैल्यू हो जाएगी कॉस सिक्सटी वन बाय टू प्लस टू कॉस वन ट्वेंटी नाइनटी प्लस थर्टी साइन थर्टी माइनस वन बाय टू क्या आ जाएगा माइनस वन बाय टू। तो देखिए यहां टू के साथ टू कट वन यहां टू के साथ टू कट माइनस वन इज इक्वल टू जीरो यानी कि स्लोप क्या आ गया आपके पास जीरो आ गया। क्या आ गया जीरो। उसके बाद देखो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई वन की वैल्यू आई है थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू स्लोप की वैल्यू आ गई जीरो एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू आ गई पाई बाय थ्री। क्लियर। तो ये बन जाएगा वाई माइनस थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू इजिकल टू जीरो इजिकल टू जीरो। तो यहां से आपको सिंप्लीफाई करके मिलेगा टू वाई माइनस थ्री रूट थ्री इजिकल टू जीरो। ये आपकी क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी टू वाई माइनस थ्री रूट थ्री जीरो टू वाई माइनस थ्री रूट थ्री इजिकल टू जीरो। आपके पास क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी किसकी टेंजेंट की। तो आप लिख देना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास सीधा लिख देना कुछ नहीं होता ऐसे लिख देना टू वाई माइनस थ्री रूट थ्री ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो।